साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। भाई काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं मलेशिया से रिलेटेड, तो आज मलेशिया से रिलेटेड बात करेंगे। लॉकडाउन में क्या हालात हैं, वीज़ा वगैरह, टिकट वगैरह कैसे, क्या प्रोसेस रहेगा। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ मलेशिया से अपडेट से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी जानकारी रोज़ मिलती रहे घर बैठे। तो साथियों शुरुआत करते हैं मलेशिया कोरोना वायरस से रिलेटेड। आपको पता है भाई पूरे वर्ल्ड की ये स्थिति है, तो भाई मलेशिया भी अछूता तो नहीं रहा है, आप सबको पता ही है। मलेशिया में अब तक 5 अप्रैल की अगर देखा जाए ओन WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो लगभग 3700 केस अब तक मलेशिया में हो चुके हैं। उसमें से 62 डेथ यानी 62 लोग अब तक कोरोना से मर चुके हैं और 1241 लोग रिकवर हो चुके हैं अब तक। ये है कोरोना वायरस से रिलेटेड मलेशिया में। तो मलेशिया में साथियों पता है कि इंडिया की तरह सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन लगभग 21 दिन का ही सब कंट्रियों में अभी जो है लगभग में चल रहा है। पहले 14 दिन का होता है, फिर 21 दिन का और लग जाता है। तो मलेशिया के हालात भी सेम यही हैं, सब कुछ मलेशिया में बंद है, जो जहाँ है वहीं का वहीं रुका हुआ है। इमरजेंसी सेवाएँ सब जो खाने से रिलेटेड होती है, मेडिकल या फिर फूड के रिलेटेड होती है, वो ही ऑन होती हैं, बाकी तो सबका सब मैटर क्लोज होता है। तो मलेशिया के भी सेम यही हालात हैं। इसमें मैं दो बातें बता दूं आपको, जो लोग वहां पे मलेशिया में हैं, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए, जिसको फंसा हुआ बोल सकते हैं कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इंडिया घर आना चाह रहे थे या फिर विजिट में गए थे वहाँ जाके फंस गए, उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, चाहे उसमें कोई भी वीज़ा हो, चाहे आप विजिट वीज़ा में गए हो, चाहे आप वर्क परमिट वीज़ा में गए हो, चाहे आपका DP10 वीज़ा हो, कोई भी तरह का आपका वीज़ा हो, चाहे बिजनेस वीज़ा हो, अगर आपको लॉकडाउन के दौरान आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो भाई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो 14 दिन का वहाँ की गवर्नमेंट आपको टाइम देगी। गलत का यहाँ पर नियम नहीं होता, यहाँ की अलग सिस्टम है। 14 दिन का लॉकडाउन ओपन होने के बाद 14 दिन का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आप वहां पे जाके इमिग्रेशन में अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। आप चाहे तो चाहे कोई भी कैटेगरी का वीज़ा हो आप रिन्यू करवा सकते हैं, चाहे तो आपको लगता है कि भाई नहीं हमें इंडिया जाना है तो आप इंडिया भी आ सकते हैं। कोई आपका फाइन नहीं लगेगा, कोई आपको स्पेशल पास आउट पास लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको ब्लैकलिस्ट नहीं करेगा, आप एक नंबर में इंडिया आ सकते हैं। दूसरी बात करें साथियों कि इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो मलेशिया जाना चाह रहे थे, जिनका वीज़ा स्टेमिंग हो चुका था, जो अंडर प्रोसेस में था, वीज़ा ऑनलाइन शो हो रहे थे, मेडिकल करवा चुके हैं, जिनके बहुत सारे पैसे भी लोगों के खर्च हो चुके हैं, एजेंटों को भी बहुत सारे लोगों ने पैसे दे रखे हैं, लेकिन ये जो कोरोना की वजह से पूरा सिस्टम था वो चौपट हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे सर मलेशिया के बारे में बताइए। तो भाई इंडिया में जो लोग आप यहाँ पर हो, चाहे आप विजिट वीज़ा आपके पास है, चाहे आपके पास वर्क परमिट वीज़ा है, कोई भी कैटेगरी का हो, A2A, A2B या फिर कोई भी XYZ या फिर DP10 वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कोई भी वीज़ा आपने इंडिया में ले रखा है, पासपोर्ट में लग गया है, 3 मंथ आपका वीज़ा एक्सपायरी हो चुकी है, वीज़ा की वीज़ा इंडिया में एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मलेशियन गवर्नमेंट ने ऑप्शन आपको दे दिया है कि मान लीजिए इंडिया में आपने वीज़ा ले लिया, आपका पैसा खर्च हो गया, उसके बाद लॉकडाउन पड़ गया, आप नहीं जा सके वहाँ पे, तो आपको एक सिंगल एंट्री मिलेगी। यहाँ से जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम रीस्टार्ट करेगी, वहाँ की गवर्नमेंट रीस्टार्ट करेगी मलेशियन, तो उसमें आपको एक सिंगल एंट्री मिलेगी, चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया कोई इश्यू नहीं है, उसमें सिंगल एंट्री आपको मिलेगी, जिसमें वहाँ जाके आपको वो वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं मलेशिया में। ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा जब भी ये दोबारा से रिस्टार्ट होगा। और भाई फ्लाइट सब बंद हैं, बहुत सारे लोग फ्लाइट के बारे में पूछ रहे हैं मलेशिया फंसे हुए, तो भाई कोई फ्लाइट का ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, 30 अप्रैल से पहले कोई ऑप्शन नहीं होगा। 14-15 अप्रैल को लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये ओपन नहीं होने वाला मलेशिया, पहली बात तो होगा नहीं, अगर मलेशिया भी कर दे तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फ्लाइट कहाँ से उतरेगी, तो कोई चांसेस नहीं है। चाहे आप इंडिया पाकिस्तानी, पाकिस्तान का अलग रूल है वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, बाकी सच्चाई यही है लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, वीज़ा टिकट आपका जो भी आपका प्रोसेस है वो दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा, आपका पैसा नहीं लगेगा, ब्लैकलिस्ट नहीं होगे, वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। वहाँ की बात भी मैंने बता दी, मलेशिया में जो बैठे हैं, इंडिया में जो बैठे हैं, दोनों की तरफ की मैंने बातें बता दी। तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ अच्छी अच्छी जानकारी मलेशिया से रिलेटेड आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।